देखते ही देखते आपके सामने तवा सज जाता है और भैया फिर शुरू हो जाते हैं कुलचे लगाना और बहुत ही बढ़िया तरीके से बने हुए और मक्खन जो है ना अंदर अच्छे से रस आ गया मक्खन के अंदर मसालों का और प्याज टमाटर हरी मिर्ची का। भैया एक प्लेट हमें भी लगा दीजिए। अभी लगा। मेरा सपना पूरा हुआ आज। सपना? एग्जैक्टली। कौन सा सपना? कुलचे बनाने जा। जी ये बन रहे जी कुलचे और कुलचों के लिए सबसे पहले तो भर भर के मक्खन पूरा तवा भर दिया है। ग्रैंड प्रेपरेशन है और हरी मिर्ची आ गई। वाह। नमक ये आ गया जी। प्याज का पहला पहाड़। जैसे जेसीबी चल रही होती है तो पूरा देश देखने लग जाता है ना, वैसे ही भैया का यहाँ पे थोड़े कुलचे बनते हुए देखने में पूरा एंटरटेनमेंट है। यही लगा रहा हूँ। ये हो गए कुलचे, निकाल रहा हूँ जी। ये प्याज है। ओ भाई प्याज का एक और पहाड़। पहले था ये कंचनजंगा, अब ये हो गया माउंट एवरेस्ट। कल ही मैंने जीके की बुक पढ़ी थी। करण भैया की वेट हो रही है पीछे से टमाटर की और ये देखो ये आ गया टमाटर। ये अब तो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मेरा तो मुंह में पानी आ रहा भाई। नमक ये घर के मसाले हैं। घर के मसाले हाँ आपके कुटे हुए हैं। बस मिर्ची भी आपने घर पे पिसवाई हुई लग रही है। मिर्ची नहीं कुटी हुई है। कुटी हुई है। वाह करण भैया कब से लगा रहे हैं आप? मेरे को तो 20 साल हो गए वैसे काम को, तो 40-50 साल हो गए। 40-50 साल पहले भी यही स्टाइल से लगाते थे? मेरे को हुए 20 साल की ये काम करते हुए इसी स्टाइल से बनाते हुए। वो नहीं बनाते, पहले मेरे दादा थे फिर पापा फिर मैं। और वो सिंपल तरीके से लगाते थे? वो लगाते थे बटर बटर लगाते थे। अच्छा। और कस्तूरी मेथी धनिया लगा के बेचते थे। रेसिपी देखता रहता मैं कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तो पहले आप भरता बनाते हैं फिर कुलचे लगाते हैं। ये कुलचे भी स्पेशल अपने लिए बनवाते हैं आप? ये ऐसे कुलचे और कहीं मिलते नहीं है। हाँ ऐसे नहीं मिलते जी। हाँ अलग से ही फिनिशिंग भी देखो वैसे भी देखो। जी जी एक ही बार में पूरा मुझे लग रहा है मसाला ठक दिया जाएगा और धीमी आंच पे मसाला अभी भी पक रहा है। उसके जो जूसेस हैं टमाटर के प्याज के वो अभी भी यू कैन सी दैट। एंड ये है जी कसूरी मेथी। ओ भाई बटर है ये? बटर का जी बॉईल करा हुआ है। इट्स लाइक अ ग्रैंड स्टेज फॉर छोले कुलचे। बहुत ही बड़ी स्टेज बना के रखी हुई भैया ने। परफॉर्मेंस है पूरी। एंड आई डिडंट टॉक मच बिकॉज आई वाज लाइक कि आप पूरी वाइब जो है वो कैप्चर कर लो। ये हो गया ब्राउन प्याज। ये आ गए जी ब्राउन प्याज। ब्राउन हो गए अच्छे से, कैरमलाइज हो गए हैं बढ़िया से और अब इनको कुलचों के ऊपर लपेटा जाएगा है ना भैया जी। कुलचों को खोल लिया जाएगा और अच्छे से इनके ऊपर लपेटा जाएगा पूरा मसाला। ओ वाह ये देखो भाई। ओहो दिस इज अ साइट। अगर आप यहाँ आते हो ना तो खाने से ज़्यादा एक्सपीरियंस है देखने का। ये आपने पहले आपको पता था आप बड़े होकर स्टार बनोगे? काहे का स्टार, पूरी दिल्ली इकट्ठी कर रखी है आपने। वाह वाह एक बार जरा गौर से देखो भैया कर क्या रहे हैं। मलाई जैसे कुलचे हैं। थोड़ा बहुत डालते होंगे दो चीज़ इसलिए इतना मलाई जैसा हो रहा है। हाँ 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 जी इधर आ जाओ जी खाने के लिए। इस साइड आ जाओ ना खाने के लिए। उनकी बाबूजी के कर दे दो प्लेट। और ये देखो उधर बैक टू बैक प्लेट्स लग रही हैं और इधर ये देखो ये भैया का जो स्टाइल है ना भाई साहब कुलचों थोड़ा सा तड़का लगाने का। तड़के वाले कुलचे हैं बहुत ही बढ़िया वाले। और मायापुरी में लोग जब आते हैं ना तो कहते हैं भाई कुलचे ज़रूर खाने हैं, तो बाकी काम बाद में करेंगे। करण भैया को देखने और करण भैया के हाथ का खाना खाने आते हैं यहाँ पे लोग। भैया इसका एक फ़ायदा ये है ना लोग छोले नहीं मांगते होंगे बार बार है ना। खाने वाले होते हैं मांग लेते हैं दोबारा। मांग लेते हैं मेरे जैसे शौकीन लोग मांगते होंगे कि भाई और दे दो। अरे वाह कितने की प्लेट है भैया? 60 रुपये की प्लेट है। एक प्लेट में 3 पीस होते हैं। 60 रुपये की प्लेट है जी। एक में 3 पीस होते हैं और 3 पीस मलाई वाले कुलचे। मेरे जैसा होना कि छोले ख़त्म हो गए कोई बात नहीं कुलचे लगा दो सिर्फ तो इतने बढ़िया बिना उसके खा सकते हो आप बिना छोले के क्योंकि जो मसाला आपने डाला है हाँ वो बहुत बढ़िया लग रहा है। करण भैया कहाँ से आप? मैं यहाँ से पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? कोटकपूरा से। कोटकपूरा से तो ये आइडिया कोटकपूरा वाला है दिल्ली वाला है? ये तो पंजाब का ही है वैसे तो। पंजाब का आइडिया। भैया का हाथ जो है ना वो नहीं रुक रहा, बैक टू बैक बस ऑर्डर्स लग रहे हैं फटाफट से। कुलचे जो है तवा खाली हो जाएगा फिर नेक्स्ट छोले बनेंगे फिर कुलचे बनेंगे, मतलब ये पूरा दिन का एक ताम झाम बना हुआ है। ये पैकिंग है, ये 5 घंटे गर्म भी रहेंगे इसमें। 5 घंटे? हाँ आराम से लेके जाओ। 5 घंटे गर्म रहेंगे। आप लंच वाला खाना डिनर में भी खा सकते हो।
दादाजी कोटकपूरा से दिल्ली आ गए थे। हाँ वो तो यहीं रहते थे, मतलब यहीं पे मतलब उन्होंने सब कुछ कर लिया था, जब घर वर सब ले यहीं पे ले रखा था। फिर हमें मतलब कि बुलाया होगा मेरे पापा पापा को, जी जी जी, फिर उन्होंने रहना यहीं स्टार्ट करा, फिर हमारा यहीं पे हुआ था सब कुछ, जो जन्म वनम। वाह, उनकी जन्मभूमि हमारी है दिल्ली की। दिल्ली है, शुरू से ही ऐसे काम करा है मैंने। अच्छा, शुरू से ही मैंने ऐसे काम करा था। जी जी जी, ये मैं तो घर पर बना बना के ट्राई मारता रहता था पहले। अच्छा, जब मैं पढ़ने जाता था तो ऐसे ऐसे रेसिपी बनाता रहता था, घर वालों को खिलाया, घर वालों को बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने यहाँ पे मार्केट में देना स्टार्ट करा। पहली बार जब लगाए थे तो कस्टमर को कैसा लगा था? बहुत बढ़िया। अरे वाह, आते ही लोग दीवाने हो गए होंगे ये देख के बीच में ही मसाला है, हरी मिर्ची है, अचार बन गया एक तरह से। ये तो मैं देख के खुद ही सीख लिया। अच्छा, उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताते गए मेरे को मसाले के बारे में जी, बाकी सब कुछ मैं नहीं कर रहा खुद ही। हाँ, शौक है ये रेसिपी बनाना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। बढ़िया, घर पे तो और भी बहुत कुछ बनाते रहते होंगे आप? जी, खाली टाइम में, खाली जब टाइम मिलता है जब ही बनाता हूँ, वैसे तो टाइम मिलता ही नहीं है। जी जी, आपको टाइम मिले ही नहीं सर कभी भी, ऐसे लगे रहो आप सारी उम्र, ऐसे मेहनत करो। और लोग दूर दूर से आते हैं चल के और लोग बताते हैं कि मैंने वहाँ के खाए हुए हैं, जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। मेरे को टाइम मिलता तो मैं कुछ भी अजीब ऐसा लगता है कि कुछ भी बना के खा लो, किसी अच्छा। भी चीज़ में अलग ही टाइप का, मतलब कुछ अलग ही टाइप का बना लो। पनीर वगैरह जब बनाते होंगे तो? पनीर खाने का शौक नहीं है। अच्छा, किस चीज़ का शौक है आपको? चटपटा खाने का होता है, कोई कुछ भी बना लो, चाट हो गई, पापड़ी, ये सब। हाँ, यूट्यूब के आने से कुछ फ़ायदा हुआ? बाहर वालों को पता नहीं था, वो उनको पता लग गया यूट्यूब से। जी जी, बहुत बढ़िया है यूट्यूब से। दिल्ली वाले तो खाते ही थे, यूट्यूब से बाहर वालों को पता चल गया। हाँ जी, हाँ जी, में तो सारे बंदे आते हैं, तो बाहर बाहर से भी आते हैं। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से ना लोग काम से आते हैं, पर बहाना होता है काम। बहाना, असल में तो आपके यहाँ खाने आते हैं भैया। आपको जिम जाने की तो जरूरत पड़ती नहीं होगी है ना, ऐसे फिटनेस कायम है। जिम जाने की, यही जिम हो जाता है, यही हो जाता है सब कुछ। बहुत बढ़िया, पूरा दम लगा रखा है आपने, तलियों से लेके कंधों तक। जिस चीज़ के लिए आप ये वीडियो देखने आए हो वो चीज़ लगने जा रही है। ये बटर डाल देते, ये आ रहा है जी मक्खन, तवे के ऊपर आ गया भर भर के मक्खन, और गोले में थोड़े से कम प्याज आएंगे। ये आ गया जी टमाटर, एकदम लाल बढ़िया टमाटर, जो जूस से स्टार्टेड टू फ्लो। ओहो, मैं तो राइन करने लग गया भाई साहब। ये आ गई जी कसूरी मेथी, इसमें नमक आ गया जी, नमक, ये होगा गरम मसाला, ये कुटी हुई मिर्ची, कुटी हुई मिर्च आ गई, पैक करने अभी करवा दे। और पहले तो अच्छे से ये मिक्स होगा, इसमें भैया हरी मिर्ची नहीं डालते ना, छोले हैं ना, छोले के अंदर भी जो मसाले हैं ना इधर तेल के अंदर आ चुके हैं, और उसका जो अरोमा आ रहा है बिकॉज ऑफ द भाप बहुत ही बढ़िया है, और उधर छोलों के अंदर जा रहा है जी पानी, पानी होता है, ये मसाले होते हैं इसमें, अदरक मसाला, मसाले रहते हैं पानी के अंदर, वो अच्छे से छोलों में मिक्स हो गए। ये आ गया जी नमक, मसाले और कुटी हुई लाल मिर्च भी लगा रहा हूँ। वाह, हम जिम करने जिम जाते हैं भैया, जिम करने काम पे आते हैं, है ना भैया? सही बात है। ये आ गए जी छोले, वो हो लो, अब हो गए जी अच्छे से मिक्स, मिक्स हो के अभी नहीं हुए मिक्स, अभी करूँगा, अभी दोबारा पलटी मारूंगा। जी जी जी, यहाँ थोड़े से निकाल रहे हैं ताकि मिक्स आसानी से हो जाए ना जी। पलटी मारने से पहले भैया उसको अच्छे से, और वाह भाई, वाह भाई, वाह, ये है यार प्रेपरेशन देखो, और ये सिर्फ आधे घंटे की प्रेपरेशन है, मतलब अगर आप आधे घंटे बाद आओगे तो भैया दोबारा यही करेंगे, प्याज और कसूरी मेथी, बहुत बढ़िया है यार। बोल दिया आपने, हाँ दे रहा हूँ, बस बना दिए छोले, बना दिए कुलचे, निकाल दूँगा जरा सी देर में। ये देखिए बहुत बढ़िया, जब आप यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे ये कोई स्ट्रीट फूड स्टॉल नहीं है सिर्फ, ये पूरी स्टेज लगी हुई है। देखो भैया सामने खाना बना रहे हैं और इधर पीपल आर वेटिंग, पहले तो शो होता है, उसके बाद एंटरटेनमेंट के बाद खाना मिलता है आपको, एंड एवरी वन लव्स द वे ही मेक्स इट, मतलब पूरा अच्छे से फोकस के साथ लोग भैया को देखते हैं लोग, और फिर उसके बाद जब खाना रेडी हो जाता है फिर खाते हैं, इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस। ये लग रही है जी हमारी प्लेट, और सबसे पहले तो भाई साहब मक्खन पलट दिया भैया ने, क्योंकि कुलचों के अंदर अच्छे से तड़का लगेगा मसाले का, मक्खन तो भर भर के होना चाहिए ना। ये आ गई जी कुलचे, मलाईदार कुलचे, एकदम बढ़िया वाले मसाला भर के प्लेट के अंदर, और प्लेट के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला दिया जाता है ताकि आप अच्छे से आनंद ले सकें, और ये प्लेट बनके हमारी तैयार है जी। वाह,
ये है जी मायापुरी के स्पेशल छोले कुलचे। कुलचों के साथ ये है जी मसाला, ये हरी मिर्ची, अचार, छोले और प्याज। बहुत ही बढ़िया प्रेपरेशन है यार, ये नेक्स्ट लेवल स्टफ। आई कांट वेट टू ट्राई इट। ओ भैया ये तो बहुत गर्म है, मैं इधर से पकड़ता हूँ। ओहो, गर्मा गर्म है। तो लेट्स टेक अ बाइट फ्रॉम हियर। ये तोड़ते हैं यहाँ से। ये हमने एक बाइट, बड़ी सी बाइट तोड़ते हैं भाई, छोटी में तो मज़ा नहीं आएगा। पहले तो ना आई वांट टू टेक अ बाइट विद दिस मसाला, ये जो बढ़िया सा मसाला है। लेट्स ट्राई दिस, क्योंकि भाई साहब इसमें ज़्यादा मेहनत लगी हुई है भैया की। हियर्स अ बाइट। ये प्याज टमाटर वाला ना चटपटा मसालेदार और हल्का सा मिठास वाला मसाला है। प्याज और टमाटर जो है ना इतने बढ़िया कैरमलाइज हुए हैं, मजेदार। मुझे बस प्लेट पकड़ने में डर लग रहा है क्योंकि भाई बहुत गर्म है। मेरी जो इधर की जो तीन उंगलियां है ना ये जल रही है, तो मैं ऐसे रखता हूँ और हिलने लग जाती है। तो लेट मी ट्राई अ डिफरेंट मेथड। एक और बाइट लेते हैं, आओ आपको बाइट दिखाता हूँ। ये वाली बाइट में मैं डालूंगा सबसे पहले तो यही वाला मसाला। आ जा। ओहो, और ये डालेंगे जी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आ गई एंड हियर आर द छोले। ठीक है, छोले आ गए, मसाला आ गया, कुलचे आ गए। हियर्स अ बाइट। भाई नेक्स्ट लेवल। बहुत ही ज्यादा बढ़िया यार। छोले एक अलग लेवल है, प्याज टमाटर वाला मसाला एक अलग लेवल है, और कुलचों का जो अपना स्वाद है। जब मैं वीडियोस देखता था ना भैया की, तो मन करता था खाने का। एक तरह से एक फूडी फैंटेसी होती है ना, ये वो थी, आज पूरी हो गई। इसको मैं अब अच्छे से एंजॉय करता हूँ। मेरा सपना पूरा हुआ है आज। सपना? Exactly. कौन सा? मैंने ये भैया की वीडियो देखी थी आज से, आई गेस लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन था तब मेरे ख्याल से ना ये भैया किसी पेड़ के नीचे लगाते थे, और लॉकडाउन में सिर्फ काम होता था फूडी वीडियोस देखने का ऐसा। तब मैंने इनकी वीडियो देखी थी और तब मैंने सोचा था कि यार ये लॉकडाउन वगैरह सब खत्म हो जाए, मैंने खा के आने हैं इनके। स्पेसिफिकली इतने सारे कुलचे छोले वाले हैं दिल्ली में, मैंने स्पेसिफिकली मांगा था कि मुझे इनके खाने हैं। अब आप ये मत बोलना सपने पूरे नहीं करते। हाँ सही बात है, सारे सपने पूरे करते हैं। साथ में गाजर का चार छुपा हुआ था नीचे, मैंने खाया। ये खाया आपने? सोनू तो पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं। मेरे मुँह पानी, लिटरली मेरे मुँह पानी। मेरे तो मैं बाहर देखते रहते, बड़ा कंट्रोल किया मैंने। वाओ, कैसे हैं? बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स। कैसा बर्स्ट? बहुत स्पाइसी, बहुत खट्टे, मसालों का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और स्पेशली ये जो कुलचे हैं ना, ऐसा नहीं लग रहा, यूजुअली जब आप कुलचे चने खाते हैं ना तो चने का फ्लेवर ज़्यादा आता है, क्योंकि कुलचे एकदम ब्लैंड होते हैं एंड चने जो हैं वो एकदम मसालेदार होते हैं यूजुअली कुलचे चने जब हम खाते हैं। बट इन्होंने जो एक कुलचे के साथ तड़का दिया ना प्याज टमाटर का, मेरे हिसाब से ना छोलों को और कुलचों को 50-50 कर दिया। एग्जैक्टली, छोले होते 80% और कुलचे होते 20%। एग्जैक्टली 50-50 हो गया। एग्जैक्टली, ये मसालों में डिप कुलचा। एग्जैक्टली, जो स्पाइसीनेस और मसालों की जो किक आ रही है वो कुलचों से आ रही है। चने बहुत बैलेंस्ड हैं, मतलब अगर आप चनों के साथ उन्हें बोलोगे ना कि कुलचे, अगर आपको स्पाइसी नहीं अच्छा लगता ज़्यादा, तो आप उन्हें बोलो कुलचे बिना तड़के के दे दो, फिर एक कंप्लीट प्लेट होगी ये एक बैलेंस्ड फ्लेवर्स की। बट इफ़ यू वांट द थिंग्स टू बी, इफ़ यू वांट योर कुलचे चने टू बी स्पाइसी एंड टू बी मसालेदार, तड़के वाले कुलचे छोले, अमेजिंग। मेरा सपना पूरा हो गया मम्मा। I am on TV and having this मायापुरी के छोले भटूरे। आप कमेंट करके बताओ कि अगर आपने मायापुरी के छोले कुलचे खाए हैं तो आपको कैसे लगे, और अगर आपने नहीं खाए हैं तो कब खाने आ रहे हो भाई। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें, साड़ी आ रही हैं तो जौंदा हसदा ते वसदा रहे साडा पंजाब नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद। अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे दो लड़के बिजनेस सूट्स पहन के छोले कुलचे बेचते हैं, तो ये है जी वो वीडियो।